स्कूल में कहां से आया नरपिशाच, मासूम पर थी उसकी गिद्ध दृष्टि, चंगुल में ले रखा था मासूम को। ये स्कूल की सफाई करता था, बच्चों को उनके भविष्य की राह बताता था, लेकिन क्या पता था मन में इतनी गंदगी भरी है। शुक्र है ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना बड़ी अनहोनी हो जाती। स्कूल की एक मासूम बेटी पर इसने न केवल बुरी नजर डाली बल्कि उसके साथ छेड़छाड़ की। वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच्ची की आबरू कलंकित होने से बच गई। लेकिन गुनाह इतना संगीन था कि खबर लगते ही अभिभावकों का खून खौल उठा। हालात को देखते हुए दानापुर की विधायक भी पहुंची। स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। 7 साल के बच्चा के साथ छेड़खानी हुआ, इससे क्या घटना बताई, इससे बेहतर घटना क्या होता है? हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, इससे गद्दारी घटना क्या होता है? गुस्सा लाजमी था, लेकिन गुस्सा इस बात पर था कि स्कूल अपनी गलती मानने को राजी नहीं था। स्कूल की गंदी बात को स्कूल के अभिभावकों को बता नहीं रहे थे, दबा रहे थे। पीड़ित अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी धक्का मुक्की और कहा सुनी के बाद परिजनों को स्कूल से जाने दिया गया। लेकिन वहीं क्या हुआ ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हमारे वाइफ फोन की यहाँ से कि आपके बच्ची के साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया, जल्दी आइए। तो हम लोग आए, हम और एक भाई चचेरा, तो हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो वो जा रहा था तो अंदर से बोला कि गोली मार देंगे, तो हम डर गए। सोच रहा था कि पुलिस के साथ मैनेज कर ले, तो मुझे सामान्यता रद्द हो जाए और डायरेक्टर पर कड़ी से कड़वाई। छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था, तो बाल उत्पीड़न में हम लोग मामला दर्ज कर लिए हैं दानापुर में, और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, रामजी प्रसाद को। स्कूल ने दिया गोली मारने की धमकी, अभिभावकों पर तान दी पिस्तौल। ये स्कूल है या अपराध की भट्टी? लोग स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस डायरेक्टर को बचाने की कोशिश करती रही। आरोपी स्वीपर को गिरफ्तार कर मामले की खानापूर्ति कर ली गई। लोगों का सवाल है कि मामले का दोषी डायरेक्टर है। गुस्साए लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, अभिभावकों पर लाठियां बरसी, कई लोगों को चोटें आईं, लेकिन राजधानी के इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस स्कूल पर अभिभावकों ने भरोसा किया, लेकिन उनके विश्वास पर जब स्वीपर ही झाड़ू फेर सकता है तो फिर कैसे कह सकते हैं कौन बच्चा यहाँ सुरक्षित है।